सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। वो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई साहब, आप ये बताइए कि गियर पे हाथ रख के गाड़ी चलाने में क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, और एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो क्या दिक्कतें क्या प्रॉब्लम। तो गाइस, ये कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है। तो गाइस, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गियर पे हाथ रख के आपको गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, उससे क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो के मद से मैं आपको गियर के रिलेटिव में बताऊंगा कि आपको हाथ रख के चलाना है कि नहीं चलाना है और क्या फायदे क्या नुकसान। तो गाइस, आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा यहाँ पे ये गियर है, आप देख सकते हैं। कई बार मैंने गियर के रिलेटिव में वीडियो बनाई है, जो कि कई बार मैंने बताया। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारे नए बिगनर होते हैं उनको दिक्कत क्या आती है कि सपोज करिए गाइस, मैं आपको चला के गाड़ी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि गियर के कई चीजें होती हैं गाइस यहाँ पे, जो कि कई दिक्कतें लोगों को आती हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे क्लच दबा के फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया है और गाइस मैं अपनी गाड़ी ऐसे करके चला रहा हूँ। गाइस, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक हाथ से जब गाड़ी चलाते हैं तो गाइस उसमें क्या होता है कि आप फुल तरीके से अपनी गाड़ी का जजमेंट नहीं ले पाते हैं। अब गाइस, यहाँ पे मैंने गियर डाला और गियर पर से हाथ हटा लिया, और जैसे हमारे नए जो विगनर होते हैं वो क्या करते हैं कि गियर पे हाथ ऐसे मान लीजिए कि रखे हुए हैं, या गियर चेंज किए और उसके बाद ऐसे करके रखे हुए हैं। तो गाइस, इससे क्या होता है कि जैसे हमने गियर डाला और गाड़ी चल रही है हमारी, हमारे सामने कोई गाड़ी आ गई या हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो उस पर हमने गियर चेंज किया और गियर पे हाथ रखा हुआ है, तो इससे गाइस क्या होता है कि जो हमारा गियर का जो मिडिल पॉइंट होता है, गियर बक्से से जो रॉड आती है उस पर फर्क पड़ता है, और जहाँ पे हमारा गियर का ये जो सिस्टम बनता है वहाँ पे ये थोड़ा सा उस चीज़ को कमी होने लगती है और वो चीज़ धीरे 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 करके ख़राब होने लगती है। क्योंकि गाइस, इसका सिस्टम ये होता है कि जितने पे इसको रिनिफ होना है वो उतने ही पर रहेगा। और सपोज करिए ऐसे करके आप रखे हुए हैं, जैसे कि आप क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि नए बिगनर होते हैं तो यहाँ पे ऐसे करके पैर रखे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, वैसे ही ये खराब कर देता है क्लच प्लेटें, वैसे ही ये गियर पे है, ऐसे हाथ रखने से गियर का नुकसान है। और आपकी स्टीयरिंग जब आप एक हाथ से पकड़ेंगे गाइस तो आप परफेक्ट तरीके से आप सुरक्षित नहीं है, ना तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है ना तो आप सुरक्षित है। सो गाइस, आपको क्या करना है, बहुत है आसानी से, आप गियर डाले, गियर में गाड़ी पड़ गई है, गियर को आपको छोड़ देना, तुरंत स्टीयरिंग अपनी पकड़ लेना है और आराम से जब आपको गियर चेंज करना है, गियर आपने चेंज कर दिया, तुरंत आप स्टीयरिंग पकड़ लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के मद से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आप क्लच पे पैर रख के गाड़ी नहीं चलाते हैं, आप क्लच का यूज जैसे करते हैं गियर चेंज कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको उसी सिचुएशन में आपने क्लच दबाया, दबाने के बाद गियर डाला और क्लच को आप छोड़ दिए धीरे धीरे करके और आराम से आपकी गाड़ी चल रही, तो उसी सिचुएशन में वही काम आपको करना है। गाइस, आपको गियर डाल दिया और गियर पड़ने के बाद आपको हाथ नहीं रखना है और गियर छोड़ दिया, जब आपको गियर की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप गियर डालेंगे, और अपना गियर डालने के बाद यहाँ पे गियर चेंज कर दिया और हाथ हटा लिया, आपको ऐसे करके गाइस हाथ नहीं रखना है गियर पे। तो इस वीडियो के मद से गाइस मैंने आपको बताया कि आपको गियर के ऊपर हाथ नहीं रखना है। तो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। ओके, बाय, जय हिंद। और गाइस, एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार से कोई चीज की जानकारी चाहिए, आपको जो भी प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए। ओके बाय, जय हिंद।